चले, ये थोड़ा सा बुरी बात है, मैं कोई और वापसी की थोड़ी सी यादें अपनी YouTube फैमिली के साथ शेयर कर लें, तो सॉरी बिल्कुल जी, ये छोटी सी एक मेरी रॉन्ग प्ले कर गया हूँ मैं इसको, तो आप इसको घर बड़ी जरूरी बात आई है, व्यूअर्स ये देखें, इनको जब कोई जरूरी बात आती है तो ये सीन होता है इनके साथ, मेरे साथ ये सीन होता है। तो हमारे साथ कौन है जी, पीछे कौन बैठा हुआ है, ये चीज पीछे भी जी बड़े भाई ऊपर बैठे हुए हैं, बोला था बातें छोटे छोटे हैं किंग कोबरा नहीं है, अल्लाह माफ करे, मैंने किंग कोबरा बना दिया है ये जी, मैंने इनको न्यू लकब दिया है किंग कोबरा, ठीक है जी, और मेरे पीछे छोटी छोटी कोबरियां बैठी हुई हैं ये तो है हमारे साथ हमेशा की तरह हीरा जी, बहुत मजा आया, आप भी बताइए प्लीज, ये परी, ये छोटी सी परी परी है, बहुत ज्यादा मजा आया जो हम स्टूडियो वगैरह मतलब जो भी हमने काम किया, हम जो भी किया, बहरहाल आपको हर सुबह का ना एक अपना माहौल है, हाँ ऐसे ही है, ठीक है, अपना एक कल्चर है बिल्कुल, बट एक मैं एक्स्ट्रा चीज आपको बताऊँ की पंजाब जो है ना सुबह इसका जो शहर है ये लाहौर, ठीक है, इस सुबह का जो शहर लाहौर है उसका एक अपना कल्चर है, बाकी सबसे हटके बिल्कुल ऐसे ही है। कैसा लगा यहाँ का वो कहते हैं बेहंगम ट्रैफिक, और लाहौर की ट्रैफिक तो हमेशा ऐसे ही है, जब भी आते हैं होती है बिल्कुल ऐसा ही होता है, तो वो ड्राइवर ही नहीं है जो लाहौर की रोड पे आया नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, तो वो जैसे कहते हैं ना जनाब जिसने लाहौर ही तक क्या जमिया ही नहीं, तो जनाब वो भी ड्राइवर नहीं है जो लाहौर की रोड पे ड्राइव नहीं कर सका अभी तक, ऐसे ही है, तो जैसे वो वहाँ पे आके जो सबसे मुझे आए जी जी, तो आप हॉर्न नहीं सुनेंगे ट्रॉले का आप ये नहीं पता लगेगा, ये जब तक बजे ना तो बंदा एकदम एक्टिव नहीं होता ड्राइवर, वो भी मस्ती में जा रहे थे और क्या बात है ना, वाला तो यहाँ पे आके मुझे वैसे तो मैं आते ही रहता हूँ, एक चीज दिखाती है जिसके पीछे हम लगे हुए हैं, अच्छा ये मालो माल गाड़ी जा रही है, बिल्कुल ये देख सकते हैं आप, ये लाहौर है, ये है दीला ने लाहौर, अच्छा आप मुझे पूछ रहे थे ये सबसे अच्छा मुझे क्या लगा, हाँ जी, तो मैं कंप्लीट करना चाहूंगा अपनी बात को, जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा, मैं वैसे तो आते ही रहता हूँ इधर, तो अच्छा तो जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो ये चीज थी कि एक तो आपने जब मैं लाहौर में इन हुआ तो आप मुझे रिसीव करने आए, सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि आप मुझे रिसीव करने आए, क्योंकि कुछ आपको पता है दोस्तों के साथ कुछ प्लान था और हमारी होटल में उनकी हमारी छोटी सी मीटिंग थी, तो वो वहाँ चले गए, तो मैंने आप लोगों से कॉल की, आप लोग बहुत ज़्यादा मसरूफ थे, अब स्पेशल मुझे पिक करने आए, सबसे ज़्यादा अच्छी तो एक चीज़ ये लगी है, दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि सम्राट फैमिली से जी जी बदौलत है, आपकी वजह से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा, उनको सुना, उनसे गपशप की, बहुत इंटरटेन हुआ जी, और मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था इधर से जाने को, लेकिन क्या करें अपना घर अपना ही होता, फिर भी जाना पड़ता है, तो अब मुझे ये ड्रॉप करने जा रहे हैं, अब मैं मेरा सफ़र वापसी को है, तो सोचा कि छोटी सी व्लॉगिंग जो है अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, क्या ख्याल है, तो आप कुछ गुनगुना रहे थे, कुछ हमें भी सुनवा दें, आप बहुत अच्छा गाते हैं, तुम चले आओ हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, ओ हम तुम्हारी क्या है, इतना बेसुरा कर दिया मुझे, ये काटते रहे, असल में रश बहुत ज्यादा है ना, मेरा ध्यान तो ट्रैफिक की तरफ है एक्चुअली, ये रिलैक्स चाहती है म्यूजिक जो है, रिलैक्स चाहता है, ढोलकी भी जाओ ना अपना, हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हीरा सिस्टर का, इन्होंने मुझे बहुत अच्छा फिंगर बर्गर पेश किया, और बहुत हेल्थी बर्गर था वो, कहाँ से, हाँ बड़े मशहूर हमारी गर्ल टाउन मार्केट में, काफ़ी अच्छी
काफी खाने की जो है वो उस पे है, यहाँ पे जगह है मुझे लेकिन ये है कि वहाँ से मोस्टली ज्यादा इसलिए खाते हैं क्योंकि टेस्ट जो है ना वो बहुत जबरदस्त होता है वहाँ का, इसलिए। तो देखिए ये कर्ज था जो मतलब के फर्स्ट टाइम ये मेरी तरफ आए थे, तो मैंने इनसे कहा था चलें इंशाल्लाह मेरा जब भी अब लाहौर चक्कर हुआ तो मैं ज़रूर आप लोगों से मिलूंगा और बताऊंगा भी, और भरपूर जनाब इन्होंने भी टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा। एक छोटी सी मुलाकात हुई, शॉर्ट सी मुलाकात हुई, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हमने कैच कर ली और सोचा आपके साथ भी शेयर करें। तो जाते जाते कुछ पैगाम दे दें हमारे व्यूवर्स को, हम जो मेहनत करते हैं और जो काम करते हैं इसके वाले से। लेकिन ये है कि मेहनत होती है ऑब्वियसली, ख्वारी भी होती है, बट कोई भी काम इससे हटके नहीं होता इन चीज़ों से, सबसे बड़ी बात ये है। गाइस प्लीज़ आप लोग जो है वो अप्रिशिएट किया करें, ठीक है, हमें हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है कि हम मजीद ख्वारी करें। बाकी ये कि आप लोगों का प्यार इतना मिलता है, आप लोग बहरहाल इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि अगर आप ये देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने सब्सक्राइब तो किया ही होगा, तो मज़ीद लोगों से करवाएं, शेयर करें वीडियो को, लाइक करें और लाइक आगे से भी मतलब लोगों से करवाएं, आगे से बस तीन लोग को आप ये नेकी करें। हाँ। और आगे उन तीनों को फॉरवर्ड कर दें कि आगे से तीन लोग। हाँ, तो कुछ इसी तरह हम भी आगे से आगे जा सकते हैं। ऐसे ही है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे और हम सबको भी सलामत रखे, और ऐसे ही हम हंसते मुस्कुराते आप लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेरते रहे। और तो आप सब भी और हम सब भी रहेंगे। मैं कुछ गुनगुना रहा था हीरा, वो क्या था, मैं चाहूंगा थोड़ा सा मेरी कानों की टूटियां थे ना। हाँ, टूटियां हीरा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं सुन रही हूँ। वो कौन सा सॉन्ग था जो मैं गुनगुना रहा था थोड़ी देर पहले, अरिजीत सिंह का? वो मुझे नहीं याद था। किंग कोबरा को भी नहीं याद? नहीं याद। किंग कोबरा विग वैनो, ये कैसा नाम है मेरा जनाब। ईशा गिलानी जो है, ये अब ईशा गिलानी नहीं, ये किंग कोबरा बन गई है। तो छोटी छोटी की जो कोबरियां है ना, इनका आपने ढेर ख्याल रखना है, ठीक है? ये आप हैं तो ये कोबरियां हैं, सही है? ये कुछ जरीले ज्यादा नहीं पता आता था तो जो किंग कोबरा है इसके जहर से भी बचना चाहिए, बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। ये तो मेरा फर्ज था ना, मैं भी कुछ नया दे दूं। ठीक है, शुक्र है अभी तक आपने मुझे नहीं कुछ दिया नाम। मैं दे दूंगी बेफिक्र हो जाओ, टेंशन ना लें। नेक्स्ट मुलाकात में इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे भरपूर तैयारी में आएंगी इंशाल्लाह। तो ये मेरे पास इंशाल्लाह गुजरात अन करीब आने वाले हैं, दोबारा इन्वाइट किया, रिक्वेस्ट किए इनसे कि आपकी जो यार नहीं और नहीं प्रैंक करना मेरे नाके बड़ी होगी। अच्छा जी, इसी के साथ हम इसको करते हैं वाइंड अप, मिलते हैं एक नई और खूबसूरत वीडियो के साथ, तब तक हमें भी दुआओं में याद रखिए, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज पाकिस्तान। दे